चलो तो एरिया अंडर कर्व में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट क्या है, देखिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, राइट, ये जो मीनिंग है इसका, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल बोल लो या डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल लो, वहीं से आता है कि अगर ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड कर्व लाइज अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी जो एरिया बाउंड हो रहा है, वो एरिया निकालना हमें, तो एरिया क्या आएगा, सिंपली डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, ये इसका एरिया आएगा, ठीक। अच्छा, अगर कर्व टोटली बिलो लाई करती है ए टू बी, राइट, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब वो होगा टोटली नेगेटिव, राइट, एंड इसी का नेगेटिव का पॉजिटिव कन्वर्ट कर देंगे तो वो एरिया आएगा, बेसिकली ये नेगेटिव ऑफ एरिया रिप्रेजेंट कर, तो माइनस ऑफ दिस कर दो तो ये एरिया आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब दोनों केसेस में हमें फर्क नहीं पड़ता बिलो है या अबव है, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स का मोड ले लिया, उसका डीएक्स इंटीग्रेशन कर रहा हूं ए टू बी, अब जाके हमें क्या देगा, एरिया। अब फर्क नहीं पड़ता अबव है या बिलो है, मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ पार्ट के लिए अबव है, कुछ पार्ट के लिए बिलो है, तो ये टोटल एरिया जो भी बाउंड होगा विद एक्स एक्सिस ये वो दे देगा, राइट। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एफ ओफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी का टोटल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। अगर मान लो ये वाला एरिया है लेट से 3 यूनिट स्क्वेयर एंड ये वाला है 5 यूनिट स्क्वेयर, ठीक है, तो ये मेरे को देगा 8, राइट, ये इन दोनों को ऐड कर देगा, लेकिन ये जो है ये क्या देगा, ये देगा 2, मतलब ये पहले पॉजिटिव को पॉजिटिव कंसीडर करेगा, ब्लू वाले को नेगेटिव कंसीडर करेगा और दोनों को ऐड करेगा, तो 3 एंड -5 तो मिला के हो जाएगा -2, फिर उसका मॉड करेगा, दैट इज 2, राइट। तो एक्चुअल एरिया हमें ये देगा, ये नहीं देगा, याद, तो ये एरिया नहीं देगा हमें, इन केस अगर अबव या बिलो का कॉम्बिनेशन है तो, ठीक है, तो हमें ये चीज डायरेक्ट मिलेगी, तो फाइनल हमारा इसी तरीके से आएगा, ये क्लियर है, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, तो एक अगर अपर कर्व है, एक अगर लोअर कर्व है, फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, राइट, ये वाला एरिया चाहिए हमें, तो एफ ऑफ एक्स एंड नीचे वाला लेट्स से जी ऑफ एक्स, तो अपर कर्व दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर कर्व दैट इज जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ये देगा मेरे को एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व, ठीक है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, बिटवीन द टू, जो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व है उसके अंदर जो अपर कर्व है, राइट, जो एरिया को बाउंड कर रही है वो माइनस लोअर कर्व, ठीक है, जहां से लेके बाउंड जो बाउंडेडनेस है वो शुरू हो रहा है, जहां तक बाउंडेडनेस जा रहा है वहां तक ए टू बी, तो ये हमें देगा एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, ये क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा देखो ये सारी की सारी चीजें हम कर रहे हैं विद एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, कहने का मतलब, राइट, अब ये वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हैं, ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखो, मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगेन ए टू बी ये, तो इसका एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी बोलते हैं, या फिर हम एफ ऑफ एक्स की जगह y भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा y डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। अब सेम चीज अगर ये y एक्सिस है, राइट, एंड कर्व जो है, जो हम इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, अब लिखेंगे x इक्वल टू जी ओ वाई, मतलब
अगर x एक्सिस के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है तो y इक्वल एवरीथिंग के फॉर्म में चाहिए फंक्शन, एंड अगर हमें y एक्सिस के अलोंग करना है राइट तो फंक्शन हमें x इक्वल एवरीथिंग के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब मान लो हमें ये चाहिए, दैट इज x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी, हमें ये चाहिए एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए अब जो हम इधर y डॉट dx कर रहे हैं इधर करेंगे x डॉट dy। इंटीग्रेशन कौन से एक्स से लेके कौन से एक्स तक जाएंगे, दैट इज एक्स इक्वल टू ए से लेके, सॉरी ये वाई, एक्स नहीं है वाई, तो वाई इक्वल टू ए से लेके वाई इक्वल टू बी तक। तो ये देगा मेरे, और इसी के अंदर एक्स की जगह जी ऑफ वाई भी मैं डाल सकता हूं, तो ये आ जाएगा जी वाई डी वाई इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक, ये आ जाएगा। ये क्लियर है राइट? अब हमें ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऑब्जर्व करना पड़ेगा राइट, कि हमें इंटीग्रेशन इजी कौन सा पड़ेगा राइट। हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग, वो ग्राफ पे ही डिपेंड करता है, इसके अलावा कहीं पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो पैराबोला है वाई स्क्वेयर इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है, एंड एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक, तो ये जाएगा y को 0 पुट करके x 2 आ गया, ठीक है, एंड x को 0 पुट करके y माइनस 2 आ गया, तो ये लाइन है। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को मैं x एक्सिस के लोंगे y एक्सिस के लोंग निकाल सकता हूं, लेकिन अगर x एक्सिस के लोंग निकालूंगा तो देखो ये वाला पॉइंट, इसके आगे पीछे ये कर्व चेंज हो रही है राइट। अब यहां पे अगर मैंने वर्टिकल लाइन लगाई तो मेरे को इस पार्ट का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट के अंदर अपर कर्व जाएगा ये एंड लोअर कर्व जाएगा ये स्ट्रेट लाइन, एंड इस पार्ट का एरिया अलग से निकालना पड़ेगा राइट। अब ड्यू टू सिमेट्री इसके अंदर मैं सिर्फ अपर का निकाल सकता हूँ, लोअर के लिए ट्वाइस हो जाएगा, बट स्टिल मुश्किल जा रहा है डिविजन, जिस तरीके से मेरे को टोटल एरिया को डिवाइड करना पड़ता है। बट यहीं पे अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग देखूं, पूरी की पूरी वाई एक्सिस के लॉन्ग मेरा ये वो स्ट्रेट लाइन जो है ये अपर कर्व है, एंड ये जो पैराबोला है ये लोअर कर्व है, एंड इस वाई से लेके वाई इक्वल टू लेट से अल्फा से लेके ये वाई इक्वल टू बीटा तक राइट, क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आ जाएगी। तो डायरेक्टली एक ही स्टेप के अंदर अंदर मेरा आ सकता। अब ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को इन दोनों को सबसे पहले साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, इनका वाई चाहिए, एक्स नहीं चाहिए वाई चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इधर से एक्स निकाला, क्या आ गया वाई प्लस टू, एंड ये एक्स को इधर डाल दिया, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर इंटू वाई प्लस टू दैट इज फोर वाई प्लस एट। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, वाई स्क्वेयर माइनस फोर वाई माइनस एट दैट इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसके जो दो रूट्स आएंगे वो अल्फा एंड बीटा होंगे राइट, वाई इक्वल टू अल्फा से लेके वाई इक्वल टू बीटा तक। अब अपर कर्व क्या जा रहा है, इसका एक्स निकालू, एक्स इक्वल टू एवरीथिंग की फॉर्म में लिखना है, तो इसका एक्स क्या आ जाएगा वाई प्लस टू राइट, एंड इसका पैराबोला का एक्स क्या आ रहा है इधर से वाई स्क्वायर बाय फोर राइट। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व क्या आएगी इधर जिसका एक्स ज्यादा है, तो आ जाएगा वाई प्लस टू माइनस लोअर कर्व दैट इज वाई स्क्वायर बाय फोर डी वाई इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, अल्फा से लेकर बीटा जो इधर से रूट्स आएंगे राइट, ये मेरे को डायरेक्टली देगा ये लाइन। अब कोई दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, डायरेक्टली मेरे को सारा करना है एटीएम। ये क्लियर है? हाँ जी, ये क्लियर हुआ राइट। तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें ये चीज को जज करना पड़ेगा कि हमारा एरिया जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस निकलेगा या अलोंग वाई एक्सिस निकलेगा, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते राइट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ग्राफ टू ग्राफ डिपेंड करता है। ठीक है, चलो तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके अलावा एक
लास्ट पॉइंट ही है हमारा, ठीक है, वेरिएबल एरिया ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू, ठीक है, ये क्या चीज बोल रहा है ये समझो जरा। हाँ जी देखो ये बोल रहा है कि f(x) जो है ये मोनोटोनिक फंक्शन है बिटवीन ए एंड बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू f(x) एंड वाई इक्वल टू f(t). अब ये क्या चीज है देखो, मान लो ये ए है एंड ये एक्स इक्वल टू बी है, एक्स इक्वल टू ए यानी कि ये वर्टिकल लाइन आ गई, x इक्वल टू बी यानी कि यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन आ गई, एंड इसके बीच में राइट जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है। एक्चुअली में इससे फर्क नहीं पड़ता x एक्सिस कहाँ पे आ रही है, मान लो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लेके जा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब ये भूल जाओ x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के साथ अपने को एरिया निकालना ही नहीं है। ठीक है, अब एक लाइन ली हमने जो कि y इक्वल टू एफ ऑफ टी है। अब अगर सी ए टू बी के बीच का कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो ऑब्वियसली सी एक कांस्टेंट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर नंबर हो जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंगली एफ ऑफ टी भी एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, तो वाई इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर राइट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब जैसे जैसे सी वेरी करेगा ए टू बी के बीच में राइट, वैसे वैसे ये जो लाइन है ऊपर नीचे वेरी करेगी। अब अगर ये लाइन ये है एरिया बाउंडेड आ जाएगा ये वाला। अब थोड़ी से देखो ये सी एक्ट करेगा ना, ये अगर एक्स एक्सिस है ये एक्स इक्वल टू सी एक्ट करेगा राइट। अब सी अगर आगे गया, मान लो ये सी हो गया, तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो लाइन है ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी बनेगी। अब एरिया बाउंडेड आ जाएगा, इधर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इधर थोड़ा कम हो जाएगा राइट, ये वाला एरिया आएगा। तो ये एरिया वेरी कर रहा है राइट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के। तो मेरे को वो बताना है कि क्या सी होगा सच दैट ये वाला जो नेट एरिया बाउंड हो रहा है किसके किसके बीच में, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि सी इनपुट देने पे एक्स इक्वल टू सी इनपुट देने पे जो आउटपुट आ रहा है वो वाई इक्वल टू लेके जाएंगे, वो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, प्लस ये मोनोटोनिक फंक्शन फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी के बीच बीच में जो एरिया बाउंडेड हो रहा है ये मिनिमम कब होगा, उस पर्टिकुलर के लिए हमें ये सी निकालना राइट। और थ्योरम ये बोल रही है कि भैया ये मिनिमम तब आएगा एरिया जब जो सी है वो ए प्लस बी बाय टू होगा, यानी कि जो एवरेज ऑफ ए एंड बी है इन दोनों का मिड पॉइंट लो, उस मिड पॉइंट पे जो हाइट आ रही है वो वाई इक्वल टू लोगे, फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से मोनोटोनिक है, मतलब बहुत ज्यादा है बहुत कम है स्लोप उसका राइट, फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज हमेशा इसके ए एंड बी के मिड पॉइंट पे जो आउटपुट आएगा राइट वहीं पे जाके जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वही हॉरिजॉन्टल लाइन इस मोनोटोनिक फंक्शन के साथ मिनिमम एरिया बाउंड करेगी, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, अगेन देखो जरा थ्योरम क्या बोल रहे हैं, इफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स इज अ मोनोटोनिक फंक्शन इन ए कोमा बी, देन द एरिया बाउंडेड बाय द ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी इज मिनिमम व्हेन सी इज ए प्लस बी बाय टू, ये समझे ठीक। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं है ना कि सी ए प्लस बी बाय टू कैसे आया वो निकाल लेते हैं। तो देखो
ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब ये एरिया, एरिया क्या आएगा, अपर कर्व, अपर कर्व क्या आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज एफ ऑफ सी माइनस लोअर कर्व एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू सी प्लस। अब ये वाला, इसके लिए अपर कर्व क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस लोअर कर्व एफ ऑफ सी राइट डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, सी टू बी। तो ये एरिया को हमें मिनिमाइज करना है राइट, और वेरिएबल क्या है, सी, सी के अकॉर्डिंग भी मिनिमाइज करना है, यानी कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सी। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे राइट। तो हमने किया डी ए बाय डी सी विद रिस्पेक्ट टू सी डेरिवेटिव कर दिया ठीक है। उससे पहले सी का डेरिवेटिव करने से पहले देखो हमने इसको अलग अलग कर दिया ठीक है, ध्यान से देखना, करना जरूरी नहीं है बट हाँ ये सिंप्लीफाई कर देता है। देखो एफ ऑफ सी डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन सी टू बी माइनस एफ ऑफ सी डीएक्स इंटीग्रेशन सी टू बी। अब देखो ये तो एक्स के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, सी का कॉन्स्टेंट है तो सी बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ सी क्या बचेगा, वन, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, अपर माइनस लोअर किया तो सिंपली आ गया सी माइनस ए, एफ ऑफ सी इंटू सी माइनस ए राइट माइनस ये एज इट इज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस सिमिलरली ये भी एज इट इज सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड इसके अंदर से भी एफ ऑफ सी बाहर आ गया राइट क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है और वन का इंटीग्रेशन एक्स होके बी माइनस सी आ जाएगा इंटू बी माइनस सी। अब ये आया हमारा एरिया, अब हम करेंगे डी ए बाय डी सी राइट। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये आ गया एफ डैश सी इंटू सी माइनस ए एज इट इज प्लस एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव वन ए का जीरो तो सिंपली एफ ऑफ सी माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जो भी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर अपर लिमिट सी जाएगी माइनस लोअर लिमिट ए जाएगी तो एट द एंड सी का फंक्शन आएगा ये राइट। अब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे न्यूटन लेबनिट्ज़ थ्योरम लगेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, पहले अपर को इसके अंदर पुट करेंगे आ जाएगा एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव वन माइनस ए को पुट करके इंटू ए का डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा तो सिंपली बचेगा माइनस एफ ऑफ सी प्लस। सिमिलरली ये बी पुट करके इंटू बी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस सी पुट करके एफ ऑफ सी इंटू सी का डेरिवेटिव वन तो बेसिकली सिंपली बचेगा माइनस एफ ऑफ सी राइट माइनस अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल एफ डैश सी इंटू बी माइनस सी एज इट इज प्लस एफ ऑफ सी एज इट इज बी का जीरो माइनस सी का माइनस वन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अभी ओपन किया ये माइनस 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 ये प्लस, अब ध्यान से देखना प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी कटा माइनस एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी कटा तो एफ डैश सी कॉमन डी ए बाई डी सी के अंदर से एफ डैश सी कॉमन क्या बचा, सी माइनस ए राइट। यहाँ पे एफ डैश सी कॉमन माइनस बी प्लस सी तो प्लस सी माइनस बी दैट इज एफ डैश सी इंटू टू सी माइनस ए माइनस बी ये आ गया डी ए बाई डी सी तो दैट इज इक्वल टू जीरो राइट। अब ये जीरो करके इसका तो पता ही नहीं कब जीरो होगा, ये तो फंक्शन ही नहीं पता ना, तो इसको जीरो करके सी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी बाई टू डन, यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होगा राइट। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जाएगी, डबल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ये क्लियर हुआ राइट। ये प्रूफ किसी काम का नहीं है बट हाँ यहाँ से ये चीज जरूर पता चल गई कि ए एंड बी के जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जो हाइट आ रही है उस हाइट पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी ये सिर्फ वही वाली जो हाइट है वही वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो गिवन मोनोटॉनिक फंक्शन के साथ ए टू बी के बीच में मिनिमम एरिया बाउंड करेगी। हाँ जी क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज, यस ठीक सर है आगे। एक ये एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट है ठीक है, एवरेज वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट ये बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स राइट, इसका ए टू बी के बीच में एवरेज वैल्यू चाहिए
वाई एवरेज जो होगा दैट इज नथिंग बट एरिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वो जो विड्थ होती है जहां से जिसके बीच में हम इंटीग्रेशन करते हैं दैट इज बी माइनस ए उससे डिवाइड कर दो, तो ये उसकी एवरेज हाइट आ जाती है। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट पता क्या है, देखो ये एरिया टोटल एरिया राइट, अब ये क्या कंसिडर करता है कि जो एवरेज हाइट होगी ए टू बी के बीच में, मान लो ये फंक्शन, ये फंक्शन है ऑब्वियसली वी कैन नॉट अज्यूम कि वो एक रेक्टेंगल बनाएगा राइट, एक रैंडम वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जा रहा है। अब इसके बीच में जो एरिया है उसके उस एरिया के अकॉर्डिंग जो एवरेज हाइट होगी राइट, वो क्या बोल रहा है कि हर एक पॉइंट पे वही हाइट होगी, उसके अकॉर्डिंगली जो रेक्टेंगल बनेगा उस रेक्टेंगल की हाइट को एवरेज हाइट बोल रहा है राइट। वो तो उसके लिए क्या आएगा, अब ये जो एरिया है उसको क्या बोल रहा है, वो एवरेज हाइट इंटू विड्थ, तो हमने विड्थ से डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज हाइट आएगी, तो एरिया इज एवरेज हाइट इंटू विड्थ ऐसा ना, तो विड्थ से डिवाइड कर दिया एवरेज हाइट आ गई एरिया को डिवाइड करके। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं, मेन इसके अंदर है एग्जाम्पल जो अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर वन, हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर वन क्या बोल रहा है, एरिया एनक्लोज बिटवीन वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस एज एक्स वेरीज फ्रॉम 0 से 3π/2, तो 0π दिस इज 3π/2, तो ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया चाहिए राइट। अब इसको निकालने के लिए हम 0 से पाई वाला एरिया प्लस 0 से 3π/2 वाला एरिया को ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा और स्मार्टली चलना है तो सिर्फ ये वाला एरिया निकालो उसको 3 टाइम्स कर दो क्योंकि ये तीनों के तीनों एरिया थे राइट। तो साइन है डीएक्स इंटीग्रेशन 0 से 3π/2, ऑब्वियसली एरिया की बात हो रही है तो नॉन अलजेब्रिकल एक ही बात कर रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करना, तो इसका 3 टाइम्स, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक 3 टाइम्स 0 से 3π/2, सॉरी 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2 करना, उसका 3 टाइम्स कर रहे हैं ना, तो 3 टाइम्स π/2 पुट करके आ जाएगा तो 0, माइनस 0 पुट करके आ जाएगा -1 तो -1, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वेयर एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब ये याद रखो कि ये वाला जो एरिया होता है साइन का 0 से π/2 के बीच में, ये 1 यूनिट स्क्वेयर होता है। ठीक है, उसी का 3 टाइम्स हुआ ना। ठीक है, अगला क्या हो गया, अच्छा तो एरिया एरिया चलो सेकेंड सेकेंड देखो जरा, वाई इक्वल टू एल एन एक्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 1/e से लेके एक्स इक्वल टू ई। देखो एल एन एक्स ये आ गया 1, 1/e जाएगा यहां पे कहीं पे एंड यहां पे कहीं पे जाएगा ई, तो अपने को ये वाला जो एरिया है राइट ये एरिया निकालना राइट। तो यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अपर कर्व एक्स एक्सिस है यानी कि वाई इक्वल टू 0 माइनस लोअर कर्व दैट इज लॉग एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये करना है अपने को 1/e से लेके 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन एल एन एक्स माइनस 0 यानी कि लॉग ई एक्स माइनस 0 डीएक्स कहां से कहां तक, ये 1 से लेके ई तक। तो दोनों केसेस में बेसिकली मेरे को एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करना, और एल एन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं 1 डॉट राइट।
तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डॉट डी एक्स, ये कटा तो आ गया एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, राइट। तो दोनों के अंदर सिर्फ यही चीज को सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक। आगे देखो जरा, ये पहली दो एग्जाम्पल थी, राइट। इसके बाद एक और है, ये वही पैराबोला वाले आगे एग्जाम्पल इसके बाद, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस y² एंड वाई एक्स, हाँ जी। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस y² एंड y एक्सिस, ठीक। अब पहले इसको प्लॉट करते हैं, इसके लिए पहले इसका केयरिंग कंप्लीट करेंगे, राइट। तो नेगेटिव साइन इधर लेके गया, y² माइनस 2y दैट इज माइनस एक्स प्लस वन, तो ये बन जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -1 कॉमन लेने के बाद x माइनस 1। तो इसका वर्टेक्स क्या जा रहा है, ये y² इक्वल टू -4x वाली टाइप जा रही है, कहां से, वर्टेक्स 1,1 से, तो यहां से इस तरफ जाएगा, तो ये आ रहा है ये वाला पैराबोला, ठीक। अब y एक्सिस यानी कि ये एरिया अपने को चाहिए, अब इसके लिए अपर कर्व क्या एक्ट करेगा, ये इसका एक्स, तो एक्स क्या आ रहा था 2y माइनस y² माइनस लोअर कर्व, ये इसका एक्स क्या आ रहा है, इसका एक्स होता है 0 dy इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, एंड ये क्लियरली देखो ये बन है, इसकी बहुत सिमेट्रिक होता है, और ओरिजिन से पास करने वाली ये कर्व है, दैट इज इसका 0 रहेगा, इसका 1 है, तो ऑब्वियसली इसका 2 रहेगा, तो 0 से लेके 2 डन। तो मेन इन सब क्वेश्चंस के अंदर ना याद रखना प्लॉटिंग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अब ये 7 एग्जांपल आ रही हैं, ठीक है। इसके अंदर से सबसे पहला, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x एंड लाइन x इज इक्वल टू 1, ठीक। देखो ये आगे वाई इक्वल टू सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स, नहीं ये तो कोट का बनाया मैंने, ये तो कोट का बनाया, देखो ये आ गया, ठीक है, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। अब वाई इक्वल टू कोसीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ गया, एंड एक्स इक्वल टू 1, तो ये देखो ये एक्स इक्वल टू 1 तो ये एरिया चाहिए अपने को, ये समझे, राइट। अब
यहाँ पे ये चीज देखने पे राइट मेरे को ये पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट जहां पे दोनों के दोनों आउटपुट हो रहे हैं सेम, दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये सेम होंगे राइट। तो कौन सा इनपुट है जहां पे दोनों के दोनों आउटपुट सेम आएंगे, पहले तो ये ठीक। ये होता पाई बाय रूट टू, क्योंकि रूट टू पे दोनों के दोनों पाई बाय फोर होते हैं राइट। तो इसके बीच में अपर कर्व आ रही है ये वाली ठीक है, दैट इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, एंड लोअर कर्व आ रही है ये वाली दैट इज सेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड वन से लेके रूट टू के बीच में इंटीग्रेशन। अब लेकिन सेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स एंड कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। अब इसको करने के लिए देखो मैंने पता क्या किया, इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करके इनका आंसर निकालूंगा कैसे, ठीक है ध्यान से देखना। अब मुझे मालूम है ये जो चीजें मेरे को मिलती हैं राइट इनवर्स, वो वाई इक्वल टू एक्स के अंदर मिरर इमेज करके मिलता है। तो जब मैं मिरर इमेज करूंगा तो एरिया थोड़ी ना चेंज होगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना एज इट इज कर्व, एरिया तो नेट सेम ही रहेगा बाउंडेड राइट। तो मैंने क्या किया ध्यान से देखना, ये निकाला राइट। तो मैं ये एरिया निकाल रहा हूं, और ये एरिया और ये एरिया सेम है, क्योंकि इसी का मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगा ना राइट। अब देखो 0 पाई बाय 4 एंड पाई बाय टू राइट। तो इनफैक्ट 0 से पाई बाय 4 के बीच में ये वाला एरिया निकाल लो इसी का ट्वाइस राइट। अब वो सेकंड का निकाल लो राइट, या कोसेकेंट का निकाल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, वो आपके हाथ में ठीक है। अब ये वाला कर्व की अगर मैं बात करूं राइट, ये वाले कर्व, तो ये है हमारा सेकेंट या कोसेकेंट, सेकेंट सेकेंट है क्योंकि 0 पे 1 जा रहा है राइट, एग्जैक्टली 0 पे 1 जा रहा है राइट, तो ये सेकेंट है। तो बेसिकली सेकेंट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 4 एंड उसी का ट्वाइस कर दो तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे। तो अब ये वाला एरिया और ये एरिया सेम है, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन करूंगा रेदर देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर ठीक है, अगर मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली एरिया निकाल सकता हूँ वो ज्यादा सिंपल होगा हमेशा, क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रेशन को सिंपल कर देगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज यस सर, यस सर, ठीक है, यस चले सर, हो जाएगा ये, चलो हाँ जी। सेकेंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू इट विद ग्रेडियंट -1 ठीक है। तो पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू इट विद ग्रेडियंट इज -1, यानी कि जिसका स्लोप है -1। अब इसका एम स्लोप का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स -2am - am³। तो m को -1 पुट करना और इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4x का a1, तो a को 1 पुट करके ये गया और m को -1 पुट कर दो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -x --+2 एंड -(-+1) तो ये आ जाएगा 3। तो इस लाइन की बात हो रही है, दैट इज y इक्वल टू x सॉरी x प्लस y इक्वल टू 3, तो इस तरीके से आ जाएगी लाइन राइट। अब इसका भी ऑब्वियसली एरिया हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली याद राइट। इसका ये अपर कर्व एक्ट करेगी, ये लोअर कर्व एक्ट करेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये आ जाएगा वाई इक्वल टू अल्फा से इसका वाई इक्वल टू बीटा राइट, दोनों का एक्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो इधर का एक्स क्या आ रहा है, 3 - y राइट, वो एक्स इधर डाल दिया तो आ जाएगी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 * x, एक्स की वैल्यू 3 - y दैट इज 12 - 4y। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ वाई स्क्वायर +4y - 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली ये जा रहा है वाई प्लस 6
इंटू वाई माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, तो वाई की वैल्यू आ रही है 2, -6, तो ये आ रहा है वाई इक्वल टू -6 एंड ये आ रहा है वाई इक्वल टू 2। अब अपर कर्व क्या है, इसका एक्स निकालो दैट इज 3 -y, माइनस लोअर कर्व इधर से एक्स निकालो दैट इज वाई स्क्वायर बाय 4 dy इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, -6 से लेकर 2 तक, डन ये एरिया आ गया। क्लियर है सबके अंदर, अगर ध्यान से देखो काम वही है, कोई अलग चीज नहीं कर रहे। यस ये वाला, ये वाई के लॉन्ग, एक्स इक्वल टू करना होता है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम जो करते हैं एंड एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देख इधर करते हैं हम वाई डॉट डी एक्स एंड इधर हम करते हैं एक्स डॉट डी वाई, राइट, दोनों अलग है। हाँ जी, थर्ड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड अबव, दैट इज बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, एंड बिलो बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो ये क्या आ रहा है, स्केलिंग करो, स्केलिंग करने पे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जा रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इधर इधर वाला राइट हैंड साइड वाला पैराबोला, लेकिन उसका स्क्वायर रूट करने पे वाई इक्वल टू रूट पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला रूट है तो अबव वाला आएगा, तो बेसिकली ये सिर्फ उसका अपर वाले को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स को 0 पुट किया वाई आ गया -3, वाई को 0 पुट करके एक्स आ गया 3, तो ये जा रही है ऐसे लाइन। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज बाउंडेड अबव बाय वाई इक्वल टू रूट एक्स एंड बिलो बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स माइनस 3। ये अबव एंड बिलो के कारण ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाले एरिया की बात है, राइट, तो इस वाले पॉइंट से दैट इज एक्स इक्वल टू 3 से लेके, राइट, जो वाई को 0 पुट करके एक्स इक्वल टू 3, यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर अपर कर्व हमारी ये वाली कर्व है दैट इज वाई इक्वल टू रूट एक्स, राइट, तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3, राइट, एंड ये वाले एरिया के लिए अपर कर्व आएगी रूट एक्स माइनस लोअर कर्व आएगा इसका स्ट्रेट लाइन दैट इज एक्स माइनस 3 डी एक्स इंटीग्रेशन 3 से लेके ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है जहां पे पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट मिलेगा, राइट। अब उसके लिए हमने क्या किया, इसका स्केलिंग कर दिया, तो वाई स्केर इक्वल टू एक्स, राइट, हमें तो वैसे भी वाई को एलिमिनेट कराना ना, तो एक काम करो वाई की वैल्यू इधर डाल दो एक्स माइनस 3, क्या आ गया एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू रूट एक्स, स्केलिंग कर दी ये स्केयर ये गया, तो आ जाएगा एक्स स्केयर -6x+9, ये इधर आके हो जाएगा -7x दैट इज 0, यहां से जो वैल्यू जाएगी इरेशनल भी जाएगी, इरेशनल ही जाएगी, राइट, तो 7 ± √B² यानी कि 14, सॉरी -4 × 1 × 9, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 13, √13 डिवाइड बाई 2 है तो 2, अब ऑब्वियसली प्लस वाला आएगा आगे वाला, ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 7 + √13/2, डन, राइट, तो ये वाली वैल्यू यहां तक आ जाएगी, डन, क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोलास दिस एंड दिस,
तो ये जो दो पैराबोलाज हैं, ये जो एरिया इनक्लोज कर रहे हैं वो एरिया निकालना है, राइट। देखो तो वाई स्क्वायर माइनस 2y + 4x + 5 दैट इज इक्वल टू 0। एंड x² + 2x - y + 2 = 0। ठीक है, तो इसका स्केलिंग कंप्लीट करने के लिए +1 - 1 + 1 - 1, तो ये बन गया y - 1 का² + 4x + 4, राइट। 4 कॉमन लेके x + 1 = 0, तो y - 1 का² = -4 × x + 1। ये आ गया पहला पैराबोला। अब इधर x + 1 का², राइट, और इधर क्या आ जाएगा +1, तो -y + 1, तो -1 को मैं लेके आ जाएगा y - 1, ये उधर जाके हो जाएगा ये डन, ये आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या आ रहा पहला, -1 को 1, राइट, एंड इधर से जाएगा y² = -4x ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसा, ठीक है। एंड ये अपवर्ड, अपवर्ड कहां से जाएगा, -1 को 1 से, राइट, तो ये -1 को 1, राइट, यहां से अपवर्ड जाएगा ये, तो ये एरिया चाहिए, ये समझे। श्योर। अब देखो इसको करने का ना, अब मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट निकालूंगा, ये तो पता चल जाएगा, बट यार इन दोनों की एक्चुअल इक्वेशन देखो बहुत गंदी है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन y - 1 का² = -4 × x + 1, एंड सेकेंड इक्वेशन जो आ रही है दैट इज x + 1 का² = y - 1। अब अगर मैंने ओरिजिन को यहीं पे शिफ्ट कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y² = -4x, एंड ये बन जाएगा x² = y। ओरिजिन को शिफ्ट करने पे यही होगा, जो x - h आ रहा है वो सिंपली x बन जाएगा, y - k जो आ रहा है वो सिंपली y बन जाएगा, तो ओरिजिन मेरा, ओरिजिन मतलब जो ओरिजिन है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, -1 को 1 पे। तो ये इक्वेशन, अब देखो ओरिजिन को शिफ्ट करने से एरिया थोड़ा ना चेंज करेगा, एरिया तो वही रहेगा, तो अभी भी इन दोनों का एरिया बाउंडेड रहेगा सेम, ठीक है। तो अब देखो ये चीज ऐसे और ये चीज ऐसे, अब ये एरिया दोनों के दोनों सेम, तो इनसे जो फाइंडिंग दैट एरिया में ये एरिया निकालना पसंद करो, राइट, क्योंकि ये सिंपल हो जाएगा। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, और मेरे को इस पॉइंट का एक्स चाहिए, क्योंकि अपर का माइनस लोअर कब करूंगा, तो इस पॉइंट का एक्स के लिए मैं दोनों के वाई को लिमिनेट करूंगा, तो ये वाई की वैल्यू जो x² है वो इधर डाल दूंगा, तो x² का स्क्वायर, तो x^4 = -4x, ये आ जाएगा। एक एक्स कटेगा क्योंकि x = 0 एक सोल्यूशन है वो आ रहा है, तो बाकी बचा x³ = -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 का³√, दैट इज -4^4 या -2^2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है -2^2/3 या 4^1/3 ले लो, ये क्लियर है। तो इस पॉइंट का एक्स आ गया। अब अपर कर्व के लिए ये हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला, उसके लिए मैंने लिया ये वाला, इसका वाई, इसका वाई क्या आ रहा है, रूट कर दो तो √-4x, राइट, एंड लोअर कर्व, लोअर कर्व के लिए इधर से निकालना वाई, दैट इज y = x², अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे तो आ जाएगा -4x√, यानी कि power 1/2, माइनस लोअर कर्व करेंगे तो आ जाएगा सिंपली x2।
डीएक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ये करेंगे हम, इस पॉइंट से लेके दैट इज -π/3 से लेके 0 तक। हाँ तो ये एरिया आएगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है ये? यस सर। चलो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। देखो y-2 का स्क्वायर इक्वल टू x-1 एंड द टेंजेंट टू इट एट 2,3 एंड x स्क्वायर। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू पूरे x टाइप का है, कहां से? 1,2 से। तो राइट, तो ये पैराबोला n 2,3 यहां पे एंड एक्सेप्शन, तो ये एरिया चाहिए। राइट, अब एक्स एक्सेस के लोग देखोगे यहां पे, इसके पहले पहले अपर कर्व ये, लोअर कर्व ये, इसके बीच में इसका अपर कर्व लोअर कर्व अलग आएगा, इसका अपर कर्व एंड लोअर कर्व अलग आएगा, तो बहुत ज्यादा आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली करता हूँ, अपर कब आएगा देखो यहां से लेके इसके बीच बीच में अपर कब आएगा सिर्फ यही, राइट, एंड ये सारा का सारा लोअर कब आएगा। इसका अपर कब के लिए मेरे को एक्स इक्वल एवरीथिंग करना, वो आ जाएगा इधर एक्स को लेके, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1 + y-2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपर कब, एंड लोअर कब आ जाएगा ये वाला नहीं। उसके लिए पॉइंट तो मेरे को पता है 2,3, डेरिवेटिव ढूंढना है वाई डैश, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ y-2 इंटू की पावर 2-1 इंटू अंदर का डेरिवेटिव y डैश, दैट इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब पॉइंट क्या 2,3, तो y को 3 पुट कर दे, 3-2 इज 1, तो बेसिकली 2 नीचे जाके 1/2, तो डेरिवेटिव आ रहा 1/2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो y इक्वल टू सॉरी y-3 ओवर x-2 दैट इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से क्या ढूंढना है, x, राइट, तो क्या आ रहा है, इसको इधर लेके जाके इसको इधर, तो 2y-6 ये x-2, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, तो हो जाएगा y-4 दैट इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ रही है 2y-4। अब अपर कर्व इज दिस y-2 का स्क्वायर +1 माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व क्या आ रही है 2y-4 dy इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, ये 0 से लेके इस पॉइंट का वाई तक, और इस पॉइंट का वाई क्या है 3। तो एक ही बार में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग किया तो 3 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये अपर वाला ये छोटा सा पार्ट, एंड एक लोअर वाला ये वाला पार्ट, तो ज्यादा गंदा जाएगा, उन सबके अंदर जो अपर एंड लोअर कर्व है वो बहुत गंदी है, मेजरली इन दोनों के अंदर, राइट। तो अलोंग हमें अगेन कर्व को देख के पहचानना पड़ेगा कि हमें एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इंटीग्रेशन करना है या वाई एक्सिस के अलोंग करना है। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एरिया एनक्लोज बिटवीन ई की पार एक्स इंटू LnX, वाई इक्वल टू LnX बाय ई की पार एक्स, ठीक है, वो ई एक्स आई थिंक ई एक्स है, वो ई की पार एक्स नहीं है, वो ई एक्स है। देखो ये ठीक है, y इक्वल टू ई एक्स इंटू LnX एंड y इक्वल टू LnX बाई ई एक्स, ठीक है, एरिया इनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व,
ठीक। अच्छा अब देखो, तो पहले अगेन ई की पार एक्स लग नहीं रहा, बन जाएगा, बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा, ये नॉर्मल एक्स इंटू एल एन एक्स है, वो ई से मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने इसका ये देखा कि जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, डोमेन तो इसका पॉजिटिव है क्योंकि एल एन एक्स के अंदर एक्स पॉजिटिव है, इसके अंदर भी एक्स पॉजिटिव है, तो डोमेन पॉजिटिव है, जीरो से आ गए। जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू देखनी है सबसे पहले, राइट। तो जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू देखने के लिए मैंने जीरो पुट करके देखा, ये जीरो ये इंफिनिटी जा रहा है क्योंकि एल एन जीरो इंफिनिटी है, तो जीरो इंटू इंफिनिटी फॉर्म। उसके लिए मैंने क्या किया, ये एल एन एक्स रखा और इसको रखा वन बाई एक्स। अब जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू देखनी है, ये जा रहा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी नाउ, तो एल एच रूल लगा दिया तो वो चला जाएगा वन बाई एक्स एंड माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो तो ये जीरो, तो बेसिकली जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू इसकी जीरो है। ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी जीरो। अब इसके बाद इसका डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा ई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, बचा सिंपली एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, तो कट के आ जाएगा वन। तो बेसिकली अगर देखना है डेरिवेटिव जीरो कहाँ पर जा रहा है, तो ये आ रहा है log ई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस वन यानी कि वन बाई ई, तो वन बाई ई पे डेरिवेटिव जीरो है। अब देखो जीरो से शुरू हुआ, वन बाई ई पे डेरिवेटिव जीरो जा रहा है, वन बाई ई पे वैल्यू जाके आ रही है इसकी, तो वन बाई ई पुट करा दिया, तो ई इंटू वन बाई ई इंटू लॉग वन बाई ई, तो लॉग वन बाई ई का मतलब एल एन ऑफ ई की पावर माइनस वन आ गया, एल एन ई वन हो गया, ये कट किया तो आ गया माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू जा रही है माइनस, यानी कि यहाँ पे करेगा डिक्रीज उसके बाद करेगा इंक्रीज, ये समझ रहे हो, उसके बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा इंक्रीज करके कहां तक जाएगा, उसके लिए मेरे को इसके रूट देखने हैं, इसको रूट देखने के लिए मैंने इसको कर दिया इक्वल टू जीरो, तो एक्स इंटू एल एन एक्स इक्वल टू जीरो, या तो एक्स जीरो राइट, या फिर ये जीरो, ये जीरो कब होगा वन पे, तो बेसिकली एक्स आ जाएगा वन, तो बेसिकली ये वन पे कट करके जाएगा एक्स इक्वल टू वन, तो ये पहले का ग्राफ बना ऐसे, तो ये पहले का ग्राफ आ गया राइट। एंड ये भी पता चल गया ये हाइट क्या है, माइनस वन, इस तरीके से ये एक्स इक्वल टू वन भाई राइट। अब आएगा ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन जीरो पे ये जा रहा है इन्फिनिटी, ये जा रहा है जीरो, तो बेसिकली ये क्या जा रहा है इन्फिनिटी बाय जीरो, दैट इज नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये इन्फिनिटी ही है, माइनस इन्फिनिटी बेसिकली, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी होता है राइट। तो नीचे से बेसिकली ये शुरू होगा यहाँ पे ऐसे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव किया वन बाय ई एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, तो आ जाएगा वन माइनस एल एन एक्स इनटू एक्स का डेरिवेटिव वन, तो सिंपली आया ये, इसको इक्वल टू जीरो करके जा रहा है ई राइट, तो ई पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है इसका राइट, तो नीचे से आया एंड ई पे डेरिवेटिव हुआ जीरो राइट। अच्छा नीचे से आएगा तो ऑब्वियसली पहले इंक्रीज करेगा राइट, उसके बाद जाके ये करेगा डिक्रीज। अब ई पे वैल्यू क्या जा रही है इसकी, एल एन ई हो गया वन, तो आ गया ई स्क्वायर, नीचे आ गया ना इसके एल एन ई वन हो गया, ये आ गया ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा और वन पे वैल्यू जा रही है जीरो, नीचे तो वन ही, तो वन पे जा रहा है जीरो एंड यहां पे कुछ ऐसा आएगा वैल्यू, ऐसा ऐसा जाएगा। और अच्छा वन बाई पे वैल्यू क्या देखते हैं क्या आ रही है, वन बाई ई पे ये आ रहा है ई इंटू वन बाई ई एंड एल एन वन बाई ई क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन, तो माइनस वन एल एन ई, ये भी वन ये भी वन, तो माइनस वन यानी कि यहीं से पास ऐसा आएगा, तो बेसिकली ये आएगा इसका बाउंडेड, ठीक है। जैसे ग्राफ बना मेरे को क्लियर हो गया, अपर कर्व ये वाला है, दैट इज ये वाला अपर कर्व इज एल एन एक्स बाय एक्स ई, माइनस लोअर कर्व वो आएगा ये वाला जो पहले हमने बनाया था, दैट इज ई एक्स एल एन एक्स बी एक्स इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, इस वाले से लेके इस वाले तक, दैट इज
एक्स इक्वल टू 1 बाई ई से लेके एक्स इक्वल टू 1। हाँ, तो इसके अंदर मेन चीज थी कर्व प्लॉटिंग। और ये देख, सबसे पहले मैंने सेकंड वाले को, चल पहले इक्वल टू 0 किया, इक्वल टू 0 करके न्यूमरेटर 0, एक्स इक्वल टू 1, यानी कि भी यहीं से पास करेगा, राइट। फिर डेरिवेटिव करके 0 किया, डेरिवेटिव 0 करके आ रहा है इसका ई, तो ई पे डेरिवेटिव 0 जा रहा है। उसके पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद डिक्रीजिंग, तो इस तरीके से आएगा, ऐसे करके जाएगा। अब जो आ रहा है, मेरे को ये देखना क्या ये भी यही से पास कर रहा है। तो एक्स को मैंने 1 बाई पुट कराया, तो इसके अंदर एक्स को 1 बाई पुट करा के ये भी -1 जा रहा है, यानी कि ये भी यहीं से पास कर रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो बेसिकली एक कर्व जा रहा है, देखो ऐसा एक कर्व जा रहा है ऐसा, तो ऐसा लीफ टाइप बनेगा ना, ये लीफ टाइप बनेगा, राइट। तो अब बेसिकली सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना बचा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले लो, वेट हो जाएगा। चलो